क्या नाम है आपका? काजल श्रीवास्तव। काजल, तो क्या कोर्स आपने इससे पहले कब पढ़ा है, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम काजल श्रीवास्तव है, मैंने BHU से LLB 2014 से 17 के बीच में किया है, फिर मैंने 2018 से 2020 तक LLM किया है, अभी मैं BHU से PhD कर रही हूं। क्या स्पेशलाइजेशन रहा है आपका LLM के दौरान? क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल, डिसर्टेशन किस टॉपिक पे किया आपने? विक्टिम प्रोटेक्शन अंडर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। विक्टिम प्रोटेक्शन अंडर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। PhD में क्या था आपने? PhD में सर्विलांस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल, अ क्रिटिकल लीगल स्टडी। बहुत अच्छा, तो किस फील्ड में कंफर्टेबल फील कर रही हैं आप? पहले तो मीडियम बता दीजिए कि कौन सा मीडियम। हिंदी मीडियम। हिंदी, डिसर्टेशन तो इंग्लिश में लिखा। यस सर, शुरू से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, लेकिन जब LLM करना पड़ा तो LLM बिना इंग्लिश के हो नहीं सकता, तो उस दौरान से अपनी इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव किया है, तो समझ लेते हैं लेकिन अभी फ्लुएंटली बोल नहीं पाते। आपको इंटरव्यू किस चीज़ का देना है? जुडिश्री का और UP हायर एजुकेशन। बिहार जुडिश्री भी और UP हायर एजुकेशन। UP हायर एजुकेशन। तो किस फील्ड में कंफर्टेबल होंगी आपकी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, लगभग थोड़ा थोड़ा सब प्रिपेयर किया। क्रिमिनल लॉ की, अच्छा कुछ ऐसे रैंकफुल एक्टिविटीज को बताइए जो सिविल रैंक में है और क्रिमिनल रैंक में। डिफेमेशन, न्यूसेंस, और नहीं। अच्छा, तो इस एक ही एक्टिविटी पब्लिक लॉ रेमेडी भी प्रोवाइड करा सकती है और प्राइवेट लॉ रेमेडी भी प्रोवाइड करा सकती है। सिविल रैंक भी है, क्रिमिनल रैंक, क्या पैरेलल दोनों को अवेल कर सकते हैं? यस। इसमें कोई रूम नहीं है कि आप एक, आपने एक अवेल कर लिया तो दूसरा अवेल नहीं कर सकते? नहीं सर, कर सकते हैं। अगर हमारा उद्देश्य जो है अक्यूज्ड को पनिश करना है उस, तो हम उसके लिए जो है क्रिमिनल सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य जो है कंपनसेशन लेना है तो हम सिविल रेमेडी फाइल कर सकते हैं। ये विनफील्ड की जो टार्ट टार्सियस लायबिलिटी की डेफिनेशन है, या लाभ टार्ट की डेफिनेशन क्या है? विनफील्ड की जो वो अपकृत्य को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि अपकृत्य जो है विधि द्वारा निर्धारित पूर्व कर्तव्य भंग से होता है, ये कर्तव्य सामान्य व्यक्तियों के विरुद्ध होता है, इसका उद्देश्य जो होता है अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति प्राप्त करना है। तो ये अपरिनिर्धारित जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेज और लिक्विडेटेड डैमेजेज, इन दोनों के बीच किस आधार पर अंतर करते हैं? अनलिक्विडेटेड डैमेज होता है वो पहले से निर्धारित नहीं होता, ये कोर्ट जो है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस के आधार पर निर्धारित करता है, लेकिन जो लिक्विडेटेड डैमेज होता है अगर पक्षकार करार करते समय ही निर्धारित कर लेते हैं कि अगर इस चीज का भंग किया जाएगा तो ये डैमेज दिया जाएगा, तो उसे लिक्विडेटेड डैमेज कहते हैं। आपने आर्बिट्रेशन एक्ट भी कहीं पढ़ा है? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट किसी लेवल पर? यस सर। तो क्या क्रिमिनल लॉ के फील्ड में आर्बिट्रेशन कार्रवाई हो सकती है? नहीं। अच्छा, अभी 3-4 दिन पहले हमने पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, सर इसका एक्सेप्शन मान सकते हैं कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस जो 320 CRPC में दिया हुआ है उसमें अगर वो पर्टिकुलर ऑफेंसेस के आता है जिसमें जो दिया हुआ है स्पेसिफिक उसी में अगर वो है तो उसमें हम ऑफेंस का कंपाउंड कर सकते हैं, लेकिन उसके सिवाय किसी अन्य ऑफेंस में हम जो है कंपाउंड नहीं कर सकते, तो इसमें आर्बिट्रेशन का थोड़ा सा स्कोप मान सकते हैं।
बेल इन बेलेबल ऑफेंसेज एंड बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में क्या अंतर कर पाएंगे? बेलेबल ऑफेंस में जो है अक्यूज्ड बेल की डिमांड एज अ राइट कर सकता है, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में अक्यूज्ड जो है बेल की डिमांड एज अ राइट नहीं कर सकता, ये कोर्ट के डिपेंड पे डिस्क्रिप्शन पे निर्भर करता है। तो वो डिस्क्रिप्शन किन किन आधारों पर होता है? होती है अपराध की प्रकृति, अभियुक्त का पूर्ववर्ती आचरण कैसा है, अभियुक्त की न्यायिक कार्यवाही में सहयोग करने की संभावना, न्याय से भागने की संभावना है या नहीं, इन सब के आधार पर डिसाइड होता है। और कुछ देखो ग्राउंड्स ऑफ बेल ही है एक तरीके से, और 437 में भी इसके संदर्भ में प्रोविजन किया गया है नॉन बेलेबल ऑफेंस में। नॉन बेलेबल ऑफेंस में एक आ गया कि जब अजमानती मामले में अभियुक्त तो जो है वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है या कोर्ट के समक्ष लाया जाता है तो न्यायालय उसको बेल दे सकता है, लेकिन अगर अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय है तो उसे नहीं दिया जाएगा, या फिर 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए और 7 वर्ष से बीच में 3 वर्ष से अधिक अवधि और 7 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 2 बार पनिश किया जा चुका है, या फिर 7 वर्ष से अधिक और मृत्युदंड आजीवन कारावास के लिए दोषी भी किया गया है तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन जोड़ दिया गया है कि यदि जो है अपराध किसी महिला ने किया है या फिर किसी बालक ने किया है या फिर जो शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ व्यक्ति है तो उसको भी जमानत पर छोड़ा जा सकता है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो है आपने कहा ना शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम, तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड तो मानसिक रूप से अक्षम हो तो ये डिफाइंड है। आईपीसी का 84 इसके संदर्भ में प्रावधान करता है, और साउंडनेस ऑफ माइंड किसे माना जाएगा इसके संदर्भ में भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 12 प्रावधान करती है, जिसमें ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है स्वस्थ चित्त का माना जाएगा यदि वो कार्य करते समय कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझता है और उसके अपने हितों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको जानता है तो वो स्वस्थ चित्त का समझा जाएगा। और क्रिमिनल मामले में 84 ये प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपराध किए जाते समय यदि चित्त विकृति के कारण वो कार्य की प्रकृति को नहीं समझता है ये या ये नहीं जानता कि कार्य जो है दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है ये जानने में असमर्थ है तो उसे अनसाउंडनेस का बचाव मिलेगा। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ठीक है, तो संपत्ति की सुरक्षा में कब मृत्यु कार्य करने तक प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड होता है? इसके संदर्भ में प्रावधान आईपीसी के सेक्शन 103 में किया गया है, जिसमें ये बताया गया कि अगर लूट है या फिर रात्रोग गृह भेदन है या फिर अग्नि द्वारा रष्टि है जो किसी निर्माण तंबू या जलयान को की गई है जो मानव आवास के लिए संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग किया जा रहा है या फिर चोरी रष्टि अग्रह अतिचार है जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है कि अगर प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग नहीं किया गया तो इसका परिणाम मृत्यु या घोर उपाधि होगा तो शरीर संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक होता है। एक आदमी रात को हमारे घर में घुस गया, हमारी पत्नी के गले पर उसने चाकू रख दिया, हमने उससे कहा कि और उसने हमसे कहा कि सब दे दो नहीं तो हम इसको मार देंगे, क्या हम प्राइवेट डिफेंस यूज करते समय उसकी डेथ कारित कर सकते हैं? यस, ये सेक्शन 100 में आ जाएगा, जिसमें क्योंकि अगर हमने प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं किया तो वो चाकू गले पे लगाया तो इसका परिणाम मृत्यु या घोर उपाधि हो सकता है, इसलिए जो है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार करते प्रयोग करते हुए मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। तो क्या हमारी हमको यूज करना है प्राइवेट डिफेंस और नुकसान होने की संभावना इनको है, इसके आधार पर हम यूज कर सकते हैं? यस सर, क्योंकि जो आईपीसी में प्राइवेट डिफेंस का अधिकार दिया गया है न केवल अपने शरीर और संपत्ति की सुरक्षा के लिए बल्कि अन्य व्यक्तियों के शरीर और संपत्ति की सुरक्षा के लिए, वो हमसे निकट संबंध के कारण भी जुड़े हुए हैं तो हमारा ये अधिकार बन जाता है कि हम अपनी वाइफ की सुरक्षा करें तो वो बिल्कुल किया जा सकता है, प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। सेक्शन 97 तो आप तो सिविल जज बनने जा रहे हैं,
सबसे पहले तो सिविल में वाद पत्र कहाँ डिफाइंड है वाद पत्र? सर वाद पत्र डिफाइंड नहीं है सर, ऑर्डर ऑर्डर 6 रूल 1 ये कहता है कि अभिवचन प्लीडिंग में जो है वाद पत्र और लिखित कथन आता है, लेकिन इसमें कंटेंट है, लेकिन 7 में तो एसेंशियल, हाँ एसेंशियल कंटेंट है उसमें जो है क्या क्या आएगा ये बताएगा, लेकिन वाद पत्र क्या होता है ये डिफाइन नहीं किया। तो क्या क्या एसेंशियल कंटेंट्स हैं प्लेंट के? उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद लाया गया है, वादी का नाम वर्णन और निवास स्थान, प्रतिवादी का नाम वर्णन निवास स्थान जहाँ तक अभिनिश्चित किया जा सकता है, ये वाद की न्यायालय की अधिकारिता है या नहीं, वाद की विषय वस्तु का मूल्य, क्या वादी ने कोई मुजरा अनुज्ञात किया है या फिर वादी अवयस्क या विकृचित व्यक्ति है, इस बात का भी कथन होगा, और वो अनुतोष जिसका दावा करता है। और वाद पत्र के बॉटम पे सबसे अंत में क्या करते हैं? शपथ पत्र लगा हस्ताक्षर करते हैं, सत्यापित करते हैं, फिर उसके साथ शपथ पत्र इंक्लूड करते हैं। शपथ पत्र और सत्यापन में कोई अंतर है? सत्यापन के संदर्भ में प्रोविजन तो ऑर्डर 6 रूल 15 में बताया गया है कि पक्षकार द्वारा सत्यापित किया जाएगा, अगर या फिर ऐसे व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो उस मामले में जो है साक्ष्य दे सकता है, तो उसके द्वारा सत्यापित किया जाए। और शपथ पत्र जो होता है वो एफिडेविट, इसके संदर्भ में प्रोविजन ऑर्डर 19 में मुझे याद नहीं है। थोड़ा थोड़ा सभी, हाँ क्योंकि जो सब्जेक्ट में रुचि ना हो ना पढ़ो तो फिर वो भूलने लगता है, तो इसलिए सब में थोड़ा थोड़ा। हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर में और चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर में क्या कोई डिफरेंस है? यस सर। और यदि है तो क्या है? सर स्कोरा 1999 का जो केस था, इन रिप्रेजिडेंशियल रेफरेंस केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है जिसमें ये कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति हो या फिर हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर हो तो जो एक कोलोजियम गठित होगा जिसमें एक भारत का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीश के संदर्भ में ये प्रावधान किया गया है कि एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश होंगे, तो वो 3 सदस्यों के कोलेजियम से अपॉइंटमेंट होता है, जबकि इसमें जो है 5 सदस्य होते हैं। और हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर करने क्या बताया? उसमें भी 5 जजेस होंगे, मतलब वही कोलेजियम काम करेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंटमेंट में काम करता है। और चीफ जस्टिस के लिए क्या होगा? चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट कैसे होगा? और उसके लिए भी क्या कोई प्रोसीजर रिफॉर्म किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी जजमेंट्स के माध्यम से? सर इंडिया में जो ये परंपरा चली आ रही है कि जनरली जो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वही उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो, हालांकि बीच बीच में इस प्रक्रिया को कभी कभी भंग भी किया गया, ये ग्राउंड देकर कि हम क्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं योग्यता को आधार बना के, लेकिन फिर जो है बाद में फिर वरिष्ठतम वाली ही प्रक्रिया अपनाई गई है। वरिष्ठतम न्यायाधीश हालांकि 1954 के आसपास एक कमेटी गठित हुई थी, किसी ने लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि योग्यता के आधार पे भी अगर वरिष्ठ नहीं है तो भी नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन ये परंपरा 1975 में फॉलो की गई थी, लेकिन फिर बाद में जो है यही परंपरा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 1999 वाला जो केस आपने जिक्र किया है हिंदी प्रेसिडेंशियल केस 1999, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ कहा गया? क्या वो इशू भी था उसमें शामिल? नहीं है, सेटल कर दिया गया है। 1999 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात ही लेट डाउन कर दिया कि हाँ वो ट्रेडिशन ही है,
लेकिन इट मस्ट बी फॉलो। ये चूंकि डिस्प्यूट रहित न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है और ये ऐसी परंपरा है जो कि विवाद रहित है, इसलिए ये परंपरा कायम रहनी चाहिए। यही ओपिनियन था सुप्रीम कोर्ट का, तो फॉलो किया जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं आईपीसी। ये मान लीजिए कि आप इससे पर कोई गल लगा देते हैं, पिस्टल लगा देता है और कहता है कि आप जो है फलां का मर्डर कर दीजिए, गोली उसको मार दीजिए, नहीं तो हम आपको गोली मार, और आप उसको गोली मार देते हैं, तो क्या ये कोई अपराध होगा? 94 आईपीसी ड्यूरस जो है मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है, तो अगर उसमें ये बताया गया है कि यदि जो है मृत्यु या हत्या से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध छोड़कर कोई व्यक्ति जो है ऐसा कार्य करने के लिए विवश किया जाता है कि यदि उसे नहीं करेगा तो उसका परिणाम तत्काल मृत्यु या घोर मृत्यु का, तो उस अधिकार अपने तो उस अधिकार का विस्तार जो है मतलब अगर वो उसमें किसी की डेथ कार्य करता है तो वो उसको राइट मिलेगा कि वो पनिश नहीं किया जाएगा। मतलब आप ये एग्जांपल मैंने दिया जो ये इलस्ट्रेशन है, इसमें क्या आप दोषी होंगी या नहीं? नहीं, आप दोषी नहीं, नहीं। मतलब आपको अगर कंपेल किया गया तो आप दूसरे का मर्डर कर सकते हैं। इसको देख लीजिएगा, अब हम लोग थोड़ा सा सीआरपीसी में इतनी सारे एड्रेस को करके डालते हैं, तो जिसका आपने चर्चा किया उसमें उसने आपने कहा कि उसको बेल दिया जा सकेगा अगर सर्कमस्टेंसेस अगर नहीं है, अगर ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं तो उसको बेल दिया जा सकेगा, ऐसा कहा है। अगर जो है मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया है तो उसे बेल जमानत पे नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरा ये है कि अगर मृत्युदंड आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के लिए पहले दोष सिद्ध किया जा चुका है या फिर 3 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास और 7 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास के लिए 2 या अधिक बार दोष सिद्ध किया गया तो उसे जमानत भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन यदि वो व्यक्ति जो है जो अभियुक्त है वो स्त्री है या फिर कोई बालक है या फिर शारीरिक या मानसिक रूप से रूप व्यक्ति है तो उसको जमानत पर छोड़ा कोर्ट मजिस्ट्रेट हालांकि अगर वो मैटर उनके पास भी सब 439 जो है पावर मजिस्ट्रेट के जमानत देने की पावर डिस्क्राइब करता है अजमानती मामलों में, और जबकि 439 जो है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के अजमानती मामलों में जमानत की बात करता है। उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे इसमें आपने रिस्ट्रिक्शन की बात की, क्या 439 में भी कोई रिस्ट्रिक्शन आजीवन कारावास दंडनीय अपराध है तो लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और उसमें अमेंडमेंट किया गया था 436 में, मुझे ठीक से नहीं याद है, शायद 2008 के अमेंडमेंट से किया गया था, तो उसमें 436 में क्या आप इसे अमेंडमेंट किया गया था? 436A एक ऐड किया गया था, एक ऐड किया गया था, इसमें ये कहा गया था कि ये जनरली जो है जो अभियुक्त जो है बहुत लंबे समय से जेलों में बंद है लेकिन उनका ट्रायल अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो उसमें ये कहा गया था कि अगर वो अगर अपराध जो है मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है और वो उस अपराध का आधा या आधे से अधिक तक जो है कारावास में भोग चुके हैं तो उनको जमानत पे छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, और अगर पूरा भुगत लिया तो उनका राइट बन ही जाता है। क्या
आधी सजा भुगत चुका है तो उसको छोड़ ही दिया जाएगा या नहीं भी छोड़ा जाएगा? नहीं, कानून को अभिलिखित करते हुए छोड़ने से मना भी कर सकता है, मना भी कर सकता है, ये एब्सोल्यूट रूल नहीं है। 437 ए भी कुछ है क्या? हाँ है, अपील के दौरान जमानत को छोड़ जाना, मुझे अच्छे से याद है। सील ऑफ गुड्स एक्ट में गारंटी और वारंटी होता है क्या? हाँ, क्या अंतर है? सेक्शन 12 बात करता है गारंटी और वारंटी की। गारंटी ये है कि अगर गारंटी का अगर ब्रीच किया जाता है तो जो पीड़ित पक्षकार है वो संविदा को भी भंग कर सकता है और माल वापस कर सकता है और कंपनसेशन भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर वारंटी का भंग किया जाता है तो वो संविदा को भंग नहीं कर सकता, प्रतिकर की मांग कर सकता, सामान वापस नहीं कर सकता। अभी थोड़ी देर पहले आप डिफरेंशिएशन पे बात कर रहे थे, डिफरेंशिएशन जो होता है सिविल भी है और क्रिमिनल। सिविल और क्रिमिनल डिफरेंशिएशन में क्या अंतर, कैसे हम कहेंगे कि ये क्रिमिनल और कैसे कहेंगे कि सिविल? सेम एक्ट क्रिमिनल और सिविल दोनों में इंडिया में ऐसा कुछ वो अंतर नहीं किया गया है। व्यक्ति जो रेमेडी लेना चाहता है ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो क्रिमिनल केस फाइल करे या सिविल केस फाइल करे। हालांकि ये इंग्लैंड में अंतर है लीबल और स्लैंडर में कि अगर लिखित मानहानि की गई है तो वो जो है क्रिमिनल केस फाइल कर सकता है और स्लैंडर है तो वो मौखिक मानहानि है तो सिविल केस फाइल कर सकता है। लेकिन उसमें भी वहाँ पे कुछ वो बताया गया ग्राउंड जिसमें जो स्लैंडर लीबल बन सकता है, जैसे किसी स्त्री के चरित्र पर झूठा आरोप लगाना या फिर किसी व्यक्ति जो है प्रोफेशनल है उसके काम में अयोग्यता का आरोप लगाना या कोई व्यक्ति पे कारावास से संबंधित दंडनीय आरोप का झूठा आरोप लगाना या फिर जो है संक्रामक रोग होने का आरोप लगाना, झूठा आरोप लगाना, तो वो जब ये चार ग्राउंड आते हैं इंडिया में एक्शनेबल पर्सन हो जाता है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने कहा कि सिविल और क्रिमिनल में कोई अंतर नहीं है, वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है। मैंने पेपर में एक बात छापी, मैं पेपर में संभाला और इनोसेंटली कोई बात छापी और वो आपकी लाइफ से सेट हो रहा है, मतलब आपकी लाइफ पे, और लोग समझते हैं कि आप ही के बारे में, आपकी डिफिनेशन क्रिमिनल लाइबिलिटी हो। इंटेंशन नहीं है इसमें, इंटेंशन का अंतर आ जाता है। क्रिमिनल में इंटेंशन होना जरूरी है, सिविल के लिए इंटेंशन जरूरी है। जब इंटेंशनली किसी को डिफेम किया जाएगा तो वो क्रिमिनल भी हो जाएगा, सिविल तो रहेगा क्रिमिनल भी हो जाएगा। लेकिन जब इंटेंशनली नहीं किया जाता है लेकिन फिर भी डिफेमेशन तो वो क्रिमिनल नहीं होगा, वो सिविल उसमें सिर्फ आप कंपनसेशन। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए दो लोगों में कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन का अमाउंट फिक्स कर लिया गया, ठीक, मान लीजिए 100 रुपए कंसीडरेशन था उसमें। बाद में पार्टी ने आपस में कंसीडरेशन के संबंध में 100 की जगह 50 कर, क्या इन दोनों के बीच ये 50 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि नहीं? उसके लिए कोई कंसीडरेशन तो है नहीं। ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट बना कि 100 की जगह 50 ही होगा, इसके लिए कोई कंसीडरेशन तो होगा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? से एक बार फिर से क्वेश्चन, इससे दो लोगों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ 100 रुपए कंसीडरेशन पर कुछ काम कर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बाद में उन लोगों में ये तय हो जाता है कि ठीक है आप जो है 100 की जगह सिर्फ 50 ही दे, तो क्या ये जो छूट दी गई है वो वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर? हाँ, सेक्शन 62 या 62 परिहार और इन सब की बात करते हैं ना कि अगर पूरे के बजाय आधे पे ही हम मान जाते हैं तो वो वैलिड होता है, इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, छूट दिया जा सकता है। और उसके लिए कंसीडरेशन तो होना जरूरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं बिना कंसीडरेशन, है ना सर? इसी तरह पेनल रूल्स इंग्लैंड में लागू होती है, तो ये क्या है इंडिया के लिए नहीं, इंडिया के लिए है इंग्लैंड में और भारत में इस के संबंध में कुछ अंतर नहीं है? नहीं, कोई बात
जिसके हम मालिक हैं, जिस प्रॉपर्टी के हम मालिक हैं, जितना हक मेरा उस प्रॉपर्टी पर है उतना ही मैं दूसरे को बांट सकता हूँ। एक मैगजीन है Nemo.Corman है, इसके कुछ एक्सेप्शन बता दीजिए। किसी भी आप कहना चाहते कोई भी व्यक्ति अपने से अच्छा करते हैं तो सेल्स ऑफ गुड्स है या कहीं भी अगर उसे एक्सेप्शन आपको लग रहा है कि है तो आप बता दीजिए किसी भी एक्ट के। इसके संदर्भ में जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर देखें तो सेक्शन 178 इसका एक्सेप्शन बताता है कि अगर वाणिज्यिक अभिकर्ता की तरह गिरवी की गई है तो वो गिरवी वैध होती है। 178A कहता है कि अगर सुनिकरणी संविदा के अंतर्गत कोई व्यक्ति माल प्राप्त किया है और संविदा विखंडित नहीं की गई है और फिर वो उसको गिरवी रख देता है उस दौरान तो वो भी गिरवी वैध होती है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 30 क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर जो है 30 क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर किसी भी वस्तु का विक्रय हुआ है और विक्रय के बाद वो सामान जो है विक्रेता के पास ही पड़ा है और फिर भी वो उसे गिरवी रख देता है तो भी गिरवी वैध होती है। और 30 क्लॉज 2 ये कहता है कि यदि विक्रय का करार हुआ है और क्रेता ने संपत्ति पे कब्जा जो है विक्रेता की सहमति से प्राप्त कर लिया है तो वो अगर उसको गिरवी रखता है तो वो गिरवी वैध होती है। हाँ 41 और 43 दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण और 43 में यह कि मतलब जो है ऐसे व्यक्ति द्वारा अंतरण जो संपत्ति में बाद में ही दर्जित करता है उसके द्वारा।